वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरे दोस्तों। और आज एक ऐसे सांप के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा जिसको लोग इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्याएं हैं कि यह सांप अगर काट दे तो आदमी बचता नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन यह नॉन विनमस है, बिना जहर वाला है और यह हमारे बाग बगीचों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बरसात के दिनों में रहते हैं और आसानी से घरों के आसपास आ जाते हैं। कैमरामैन मैं चाहूँगा कि इसको नज़दीक से दिखाएँ। स्ट्रिप्ड कील बैक स्नैक, जिसे हम लोग अपनी भाषा में पिटपिटी सांप बोलते हैं, ये बिना जहर वाला होता है और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ हमारे घरों के आसपास रहते हैं। जैसे कड़कना गर्जना टाइप से होता है तो ये लोग फैल जाते हैं। और आदमी इसके बारे में एक अफवाह और है कि आसमान से गिरता है और झुंड झुंड में गिरता है, ऐसा करके। ऐसी कोई नहीं है धारणियाँ, यह नॉन विनमस है और यह काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे घरों के आसपास रहते हैं और बरसात के दिनों में ही ज़्यादातर यह सांप पाए जाते हैं, बाकी दिनों में यह ज़मीन के नीचे रहते हैं। तो इसे हम लोग अपनी भाषा में पिटपिटी सांप बोलते हैं। आज काफ़ी सारे हमारे छुरी से यहाँ सांप रिलीज़ करने आए हैं तो मैं इनका उभारी हूँ और आज इससे स्नेक को हम लोग यहाँ रिलीज़ करेंगे ताकि पर्यावरण में घूम सके। इसका मुख्य आहार है छोटा सा फ्रॉग, छोटे छोटे मेढक हैं, उनको खा कर यह अपना जीवन यापन करता है। उनका मुख्य भोजन वो फ्रॉग है, छोटे छोटे मेढक, जो कि अभी प्रजनन काल में वो बच्चे देंगे, उनका छोटा छोटा जो बच्चा होगा उसी को ये अपना शिकार बनाते हैं। और सभी से ही कहना है कि जितना से जितना हो सके पेड़ पौधों का रोपण करें। हर इंसान को कम से कम 5 पौधे या कम से कम 2 पौधे लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण परिवर्तन बचा रहे। और इन्हीं साफ शब्दों के बाद जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल से शेषवन गोस्वामी स्नेक से और को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारा पहला वीडियो आपको तुरंत मिले। बंद कर दे रहे, ऐसे बंद कर दे रहे, धीरे से पहले पगला कैमरा में।